हेलो गाइस, मैं सोम टॉक्स। आप देख रहे हैं सोम टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो हमारे सोम टॉक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं गाइस, आप लोग हेडशॉट कैसे मार सकते हो डेजर्ट ईगल से। आप लोग एकदम परफेक्ट हेडशॉट मार सकते हो गाइस। आप लोग कहीं भी कस्टम वगैरह हुआ, क्लैश स्क्वाड वगैरह हुआ, कहीं भी। तो गाइस, आपको ये सिखाने के लिए गाइस मुझे ट्रेनिंग रूम में जाना पड़ेगा। गाइस, आपको पूरी फुल डिटेल देने वाला हूँ गाइस, आपको कैसे हेडशॉट मार सकते हो, कैसे आपको क्या प्रॉब्लम होगी, किस पोजिशन में कैसे हेडशॉट मारना चाहिए और कैसे आप लोग एकदम बेस्ट हेडशॉट मार सकते हो गाइस। तो चलिए हम लोग ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ कि आप लोग सेंसिटिविटी कैसे रखना चाहते हो गाइस। इसमें सेंसिटिविटी काफ़ी मैटर करता है, ठीक है गाइस। पर पहले यहाँ पर ट्रेनिंग रूम से गन परचेस कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने डेजर्ट गन परचेस कर चुका हूँ गाइस, अब मैं सोच रहा हूँ कि गाइस आप लोग को एक ऐसा सीक्रेट सेंसिटिविटी के बारे में बताऊँ गाइस, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। और गाइस, ये सेंसिटिविटी 3GB, 2GB, 4GB, 8GB कोई भी रैम का तक का मोबाइल में काम करता है, ठीक है। जनरल को हमेशा 100 पर रखिए गाइस, ये आपका मूवमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है गाइस। आपने हमेशा मूवमेंट 100 पर रखिए, मीन मूवमेंट हमेशा फास्ट रखने को उसकी। और जो रेड डॉट है गाइस, उसको 90 से ऊपर ना करने, ठीक है, ना करें 90 से ऊपर। जैसे मैं 86 रखता हूँ, तो गाइस आप भी 86 रख सकते हो, ठीक है। और बाकी का जो 2x4x वो कुछ काम की ही नहीं है गाइस, अगर आपको हेडशॉट मारना है, ठीक है। और गाइस, आप जैसे ही ट्रेनिंग रूम में पहुँचते हो, ठीक है, पहले आप थोड़े जंप वम करके वार्म अप वगैरह समझते हो ना, बस आपको वार्म अप करना पहले, ठीक है। और याद रखना गाइस, जैसे कि मैंने इसे मारा, बॉडी लगा, ठीक है। अब मैं जब इसे दूसरी गोली लगूंगा मारूंगा, शायद हेड लग जाए। देखो हेड लग गई, अब कन्फर्म था मेरा, ठीक है। देखो तीसरी गोली भी हेडशॉट लगी, ये चौथी गोली मेरी बॉडी लग गई, लेकिन देखो पांचवी गोली भी हेड लगी मेरी। और देखता हूँ लगती है कि नहीं, देखता हूँ नहीं लग रही है, ठीक है। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे फायर बटन है, देख रहे हो गाइज मेरा फायर बटन, देखो मैंने मार्क करके रखा। अधिकतर बंदे क्या करते हैं, इसे बस सीधा टैप करते हैं, लेकिन नहीं गाइज, आपको इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, एकदम ऊपर की तरफ, देख रहे हो ना। जब मैंने मार्क कर दिया है फायर बटन को ना, आप लोगों को ऊपर की तरफ रोटेट करके ऊपर की तरफ करना है। देखो गाइज, अभी मैं जब मैं हेडशॉट मारूंगा, ठीक है, अभी जब मैं बंदे को भी मारूंगा, तब मेरे फायर बटन पे आप लोग गौर करना है, ठीक है। मेरा फायर बटन हमेशा घूम के ऊपर जाता है, देखो हमेशा घूम जाता है, देखो जब भी मैं फायर करूँगा हमेशा घूम जाता है, देखो हमेशा घूमता है। और हेडशॉट लगता ही है, 2-3 को बॉडी में कर रही है। अधिकतर गोली जो होती है ना गाइज, वो हेडशॉट पर ही जाती है। मेरे जो फायर बटन को आप लोग ध्यान से देखते रहो, बस आप लोग भी वैसे मारने की कोशिश करना। अगर आप लोग बस फायर बटन को दबा कर रखते हो, तो गाइज आपका हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और गाइज, आपको अगर हेडशॉट ही मारना है डेजर्ट ईगल से, जैसे कि मैं भी लगातार वो हेडशॉट मार रहा हूँ, देख सकते हो मैं लगातार हेडशॉट मार रहा हूँ, तो गाइज आपको जो फायर बटन को रोटेट करके घुमा के आपको बंदे के डायरेक्ट हेड पर ले जाना एम, ठीक है गाइज, एकदम हेड पर। जैसे ही गाइज आप रोटेट करोगे ना गाइज, आपका हेड अपने आप लगेगा। और हाँ गाइज, अगर आप डेजर्ट ईगल में अगर हेडशॉट मारना चाहते हो, तो गाइज आपको कम से कम जितना मेरा बंदा और मेरी दूरी देख रहे हो ना गाइज, कम से कम उतनी की दूरी होना जरूरी है, ठीक है। अगर उतना दूरी नहीं होगा, तो गाइज आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। अब गाइज बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट टिप्स की ओर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन से पोजिशन में अगर बंदा सीधा दौड़ के आता है तो कैसे ड्रैग करना चाहिए। बंदा अगर सीधा नहीं आता है, टेढ़ा जाता है, तो भाई उसको कैसे मारे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, गाइस मैं सब बताता हूँ। चलो ट्रेनिंग रूम में चलते हैं। जैसा कि आपने देखा है भाई, ये बंदा को मैंने कैसे हेडशॉट मारा, तो गाइस ये वीडियो को मैं स्लो मोशन में दिखाता हूँ आपको कैसे हेडशॉट मारना है गाइस, पूरे स्मूथली समझाता हूँ आपको, ठीक है। गाइस आप लोग मेरा फायर बटन को देखना, ठीक है। देखो गाइस, ये बंदा सीधा सीधी दौड़ के आएगा, मैंने एक जंप लिया और ये बंदा सीधा दौड़ के आया, मैंने फायर बटन को रोटेट करके हेडशॉट मार के गुलोल मार दिया, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है, मैंने ये वाला क्लिप में बंदा को सीधा हेडशॉट ही मारा, और गाइस वो बंदा स्टेबल खड़ा था। मैंने उसे कैसे हेडशॉट मारा, किसे नहीं मारा गाइस, मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, स्लो मोशन वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग देख के बिल्कुल समझ जाओगे। गाइस देखो, इसमें मेरे फायर बटन को ध्यान से देखना। देखो गाइस, मैंने जंप मारा, बंदा किसी और को मारा था, स्टेबल खड़ा था, और मैंने घुमा के रोटेट करके हेडशॉट मार दिया और ग्लोअल डाल दिया। गाइस मेरे फायर बटन कमाल है, फायर बटन को ध्यान से देखो। गाइस ऐसे मैं कई सारी क्लिप दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप देख के समझ जाओगे बंदे को कैसे वन टाइम मारा जाता है और डेजर्ट ईगल से कैसे हेडशॉट मारा जाता है। गाइस मैं आपको बहुत सारी क्लिप दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बस मेरे फायर बटन को ध्यान से देखो। तो क्लिप को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।
गाइज आप लोग ध्यान से मेरे फायर बटन को बस आप लोग देखते रहो गाइज, मैं खाली रोटेट करता हूँ गाइज, हेडशॉट लग जाता है। बस आपको फायर बटन को घुमा देना है एक बार, देखो गाइज जैसे मैं कर रहा हूँ, बार बार घुमा दे रहा हूँ और हेडशॉट लग जा रही है। आप लोग वीडियो क्लिप बस ऐसे ही देखते रहो, देखो गाइज हर बार मेरी बटन को देखो, मेरी बटन हमेशा घूमते रहता है। आप लोग मेरे फायर बटन को देखते रहो, बस आपको ऐसे ही हेडशॉट मारना है। समझ सक रहे हो ना गाइज मैं कैसे हेडशॉट मार रहा हूँ गाइज, आप लोग देखो गाइज खाली फायर बटन का मैं एक बार रोटेट कर दे रहा हूँ, बस घुमा दे रहा हूँ और हेडशॉट लग जा रहा है। ये बंदे लोग नहीं बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के आपको इतना चीज़ बोल देते हैं, आपको इतना 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 बात बोल देते हैं कि आप समझ नहीं पाते हो, आपको ये बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। लेकिन गाइज कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, ये बहुत ईजी ट्रिक है। बस आप लोग हमेशा फायर बटन को, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में जरूर आपको हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को बस ध्यान से देखते रहो, मैं फायर बटन कैसे रोटेट करके मार रहा हूँ, हर बार मैं फायर बटन घुमा के ही मार रहा हूँ, कभी सीधा नहीं मार रहा हूँ गाइज। ठीक है, और गाइज आप लोग अपना रोटेट करके जितना ड्रैग उठ सकते हो गाइज अपने बटन को उतना ऊपर तक खींच के ले जाना। ठीक है, ऐसा करने से गाइज आपका हर शॉट, मतलब हर एक शॉट आपका क्या होगा ना गाइज, हेड शॉट ही लगेगा, पक्का है कि आपका हेड शॉट लगना ही है। ठीक है, जैसे गाइज मेरा फायर बटन का बस आप लोग देखते रहो, कितना मस्त ओपी वीडियो है, ओपी हेडशॉट, ओपी क्लिप, कुछ भी बोलो गाइज इतना मस्त, आप लोग अपने दोस्तों को चमका सकते हो ऐसा हेडशॉट पास में बैठा कर दिखाने, बहुत अमेजिंग लगता है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे गाइज, आप लोग काफ़ी समझदार हो गाइज। तो अब मैं चलता हूँ गाइज, अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है गाइज, अब मैं नेक्स्ट अगली ट्रिक जरूर लेके आऊँगा कोई और वेपन के बारे में, जिससे या वेपन से हेडशॉट मार दो और गाइज आप लोग अपने दोस्तों को कस्टम वगैरह में रह सको। तो गाइज मैं चलता हूँ गाइज, टाटा बाय एंड टेक केयर, हैप्पी सरस्वती पूजा गाइज आप लोग का आज।